गुड मॉर्निंग दीजिए चौहान एंड वेलकम बैक टू माय अदर जीरे व्लॉग। इस बार का पूरा वीकली व्लॉग यू नो गंगोर पर ही जाने वाला है, बिकॉज गंगोर का फेस्टिवल आ चुका है। आई एम टू मच एक्साइटेड। सो हम जाने वाले आज गंगोर का फर्स्ट डे, तो हम लोग यू नो पार्क वगैरह जाने वाले हैं, वहाँ पर फुल डे वगैरह तोड़ेंगे, फिर घर पे आएंगे, उसके बाद में गंगोर का पूजन वगैरह करने वाले। सो जल्दी चलते हैं पार्क, क्योंकि सब जन बाहर रेडी हो चुके हैं, मुझे छोड़ के सब जन वेट कर रहे हैं। एंड टाइम हो चुका है, सवा सात हो चुके हैं, 7:30 के करीबन मुझे वहाँ पर पहुँचना है। सो जल्दी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। सो लेट्स गो, मैं सीधा यू नो उतना ज्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकती, सीधे मिलते हैं पार्क में, लेट्स गो। ये है हमारी गली की मॉडल जो यहाँ पर केवल फोटो शूट करवाने आती है, इसे इसे गबर से कोई मतलब नहीं है। भितोड़े है मैंने दिखाना, अपने फुलड़े दिखाना। इस फुलड़ों का मतलब होता है हमारा फ्यूचर पति इतना ही लंबा होगा, जितना सुंदर होगे ना उतने ही सुंदर पति मिलेगा। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरा पति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, आगे बोलिए। तो मेरी मम्मी ने बोला तो मैं अच्छे अच्छे फुलड़े तोड़ रही हूँ, तो आप लोगों को भी अगर अच्छा अच्छा पति चाहिए तो आप यहाँ पे राजस्थान में आइए और मेरे फुलड़े देखिए। आई थिंक मेरा पति बहुत ज्यादा हैंडसम होगा, मेरा पति लंबा भी है, सुंदर भी है और हैंडसम है, सर्व गुण संपन्न है। और तुम्हारी सखी कहाँ पर गई? यहाँ पर सखी आई हुई है, कुछ है ये वाली सखी नहीं, ये सखी नहीं, एक और सखी आई हुई। तुम्हारा पति बताना क्या करा? ये रहा इसका पति, दिखा रहा तुम्हारा किसी इसका पति पति बहुत बदला है। इसको थोड़ा ना खाना पीना खिलाओ, अभी 2-3 और ऐड करूंगी। पति 2-3 फुलड़े और ऐड करूंगी। मेरा पति सबसे मोटा है, यू कैन सी दैट। यहाँ पर और भी बहुत सारी सखी आ रखी है, आपको दिखाती हूँ। और हम सबसे लेट आए हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा आलसी हैं, यहाँ पर सब लोग आके चले गए हैं। मेरी एक फ्रेंड, मैं बोला था ना जैसा फुलड़े होते वैसे पति होते, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ। निशा मैंने इनको बताया कि जितने सुंदर फुलड़े होंगे उतने सुंदर पति होगा, अपना पति बताना। मेरा पति ये रहा। ओके गाइस, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरे बाहर की कौन आई लच करे कोई ब्लॉग इन कदमों में सुसवार दूं, रब से ज्यादा तुझे प्यार दूं। से समथिंग। हे गाइस, दिस इज करिश्मा चौहान। और YouTube चैनल कौन है? कैसी लग रही हो दोस्तों? मैं बारिश हो रही है, मौसम है, पतझड़, नीम के पत्ते देखो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सखी आ रखी है। स्टार्ट कर दो। अरे जूम क्या हो गयो? थोड़ा इसको खाना खिलाओ। मेरा पति खाते पीते परिवार का बहुत ज्यादा मोटा होता ही जा रहा है, और दो चार और चुन लिए तो ग्रोथ हो जाएगा। मेरा पति को अभी बस ये कर रही हूँ, बाकी मेरा पति बहुत सुंदर है, जरूरत नहीं अपना पति अपने पास रख लो, मेरे पति को मिस मैच करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर पति बिखरे पड़े हैं, अपना अपना पति कैसे भी चुन सकते हैं। कोई घास फूस वाले पति है, बहुत सुंदर सुंदर पति भी है, अपनी वैरायटी अपनी वैरायटी के गुण अकॉर्डिंग चूज कर ले। मुझे छोड़ के बहुत आलसी इंसान, हम लोगों ने आज क्या थीम रखी है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक लेने वाले, लाइक साड़ी वगैरह पहनने वाले। बट मम्मी के पास तीनों साड़ीज है, बट जैसा कलर मुझे चाहिए था, उनके पास रेड है, पिंक है, येलो है, ये कलर्स मुझे नहीं चाहिए थे। एंड मेरे पर्सनल मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, बिकॉज मैंने कभी भी वियर नहीं करी है, तो मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश कलर वाला शौक है, लाइक ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऐसे कलर मेरे को पहने थे, बट मेरे पास एक भी नहीं है, मम्मी के पास भी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा यू नो जुगाड़ कराया, इंडियन से जुगाड़ करना होता है। मैं अपनी भाभी के पास गई एंड उनको कहा कि नो थोड़ी सी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर यू नो इंग्लिश लुक वाली साड़ीज दिखा दे। उनके पास बहुत सारी ढेर सारी बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज है, सारी की साड़ी, मेरे को बहुत सारी साड़ी पसंद आई, बट सारी साड़ी नहीं पहन सकती, तो मैंने सोचा कि ये दो साड़ी मेरे को ज़्यादा पसंद आई, बट इसमें भी मेरे को थोड़ा सी माथा पच्ची और करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके ब्लाउज वगैरह मेरे एक भी फिट नहीं आने वाले। मैं दो साड़ी उठा के लेकर आई, मेरे पास बहुत सारे लहंगा चुने पड़े, तो मैंने सोचा उनके जो भी ब्लाउज वगैरह है थोड़ा सा उसका कलर मैचिंग वगैरह हो जाए एंड साड़ीज के साथ मैच हो जाए, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि कौन से लहंगा चुने वाले यू नो ब्लाउज इनके साथ सेट होते हैं या फिर नहीं। फटाफट करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा फटाफट करने वाले, बिकॉज घर में नीचे सब जन लड़ी हो चुके हैं, मुझे छोड़ के आवाज़ गाड़ी गुजरा कबाबी कबाबी, बट हमें नहीं सुनना है, ब्लॉग शूट करना है। चलो जल्दी से इन दोनों कबाड़ में थोड़ी छानबीन करते हैं, कुछ करते हैं कि कैसा कैसा ब्लाउज मिलने वाला है। डोंट सी माय मैजिक कार, तो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, इन पर ध्यान मत देना, देखते हैं कि कौन सा इनका ब्लाउज बहुत ज़्यादा बिखर रखा है, बिकॉज यू नो का फंक्शन चला जाता है, डेली हम ऐसे कपड़े निकालते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कोई नहीं देखते इसको।
आई थिंक ये वाला सेट हो जाएगा ग्रीन पे। अच्छा एक ये वाला निकाल लेते हैं। ओके सेटिंग किस चीज को जुगाड़ करके सेट कराए। वेट यू कैन सी दैट। और देखते हैं कि इस साड़ी के साथ ये सेट होने वाला है या फिर नहीं। आई थिंक सो ये सेट हो जाएगा बिकॉज कलर भी एकदम ग्रीन सेम ग्रीन है डार्क ग्रीन। वाओ एकदम परफेक्ट सेट होने वाला है। यू कैन सी दैट। यार लग ही नहीं रहा है कि ये इस साड़ी के साथ नहीं ऐसा लग रहा है इस साड़ी के साथ मैचिंग यही वाला ब्लाउज है। बट मेरे को इससे ज़्यादा थोड़ा सा प्यारा ज़्यादा ये लगा ये टैंक टॉप। इसको थोड़ा सा यू नो हाफ करना पड़ेगा थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं आज वेयर करने वाली हूँ ये वाली साड़ी एंड अगली बार जो भी कन्नूर का फंक्शन होगा नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली वेयर करूँगी। आई थिंक दैट इज परफेक्ट बेटर। तो मैं सोच रही थी कि साड़ी वगैरह पहनने से पहले घर में थोड़ी सी सजावट कर लेती हूँ बिकॉज साड़ी पहनने के बाद सज सज के बैठ जाऊँगी मैं मुझसे कुछ भी नहीं होगा बिकॉज नहीं होता साड़ी वगैरह मम्मी वगैरह आई डोंट नो मम्मी और यू नो साड़ी पहन के पूरा घर का काम दिवाली की साफ सफाई तक कैसे कर लेती है। मैं सोच रही हूँ पहले सजावट कर लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि सजावट में पे करूँ क्या। मेरे पास एक तो माला वगैरह पड़ी है आर्टिफिशियल उसको वॉल पे यू नो इस तरीके से लगा के देखते हैं यार यूट्यूब पे देखते हैं। सब रेडी हो चुके हैं। हाय से हाय। माय नेम इज तमन्ना। आगे तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। यू कैन सी माई लुक। मैंने इतना ज़्यादा मेकअप नहीं कराया एकदम मिनिमल मेकअप कराया एंड एकदम सिंपल तैयार हुई हूँ। एंड तैयार वगैरह हो जाने के बाद घर में सब जन रेडी हो चुके थे उसके बाद मेरी मैंने अपनी दी का फोटोशूट करा कैमरे से। वो कह रही थी मेरा फोटोशूट कर देते हैं उसके बाद में पूरा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सबके फोटोशूट करे एंड मैंने खुद ने भी बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई बिकॉज सनलाइट आ रही थी तो सनलाइट में बहुत ज़्यादा कैमरे में अच्छी फोटोज आती है। तो सबने कहा कि पहले यू नो सनलाइट है तो उसमें पहले फोटोज क्लिक करवा लेते हैं धूप है तब तक फिर धूप में चली जाएगी। तो उसके बाद में हम लोग फंक्शन
स्टार्ट करेंगे. तुमने फोटोज क्लिक करवाए एंड देन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है. पहले दिन हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी थी, खूब सारी मस्ती करी थी. एंड सेकंड डे फिर से हम पहुंच गए थे पार्क में सुबह 7 बजे. वहां पर मिली थी मुझे अपने बचपन की दोस्त, जिसके साथ में मैंने बहुत सारी खूब सारी यू नो मस्ती करी, वीडियो शूट करवाए, फोटोज क्लिक करवाए. यार उनको इसलिए अच्छी लगती है, इसका यही बेनिफिट है कि हमारे यू नो पुराने से पुराने जितने भी पुराने दोस्त थे वो सारे के सारे मिल जाते हैं. बिकॉज गणगौर में हमारे राजस्थान में क्या होता है, हर एक लड़की छोटी से बड़ी हर एक लड़की हर घर में यू नो गणगौर का पूजन करती है एंड पार्क आती है फ्रूडे वगैरह लेने के लिए. तो हमारे घर के पास में हमारे नोखा में क्या ना दो ही पार्क है, सच्ची बता रही हूँ, दो ही पार्क है. तो हमारे जितनी भी गर्ल्स वगैरह है ना, उस लिटरली सारी की सारी गर्ल्स लगभग इसी पार्क में ही फ्रूडे लेने के लिए आती है. टाइमिंग भी सेम ही रहती है. तो इसका यही बेनिफिट है कि सारे के सारे दोस्त वगैरह जितने भी पुराने दोस्त हैं सारे के सारे मिल जाते हैं. बहुत सारा यू नो खुशी फील होती है, मज़ा आता है. एंड वहाँ पर फ्लूडे वगैरह तो लिटरली कोई भी नहीं तोड़ता, बहुत कम लोग तोड़ते हैं, घर पे जाके तोड़ते हैं. बिकॉज यू नो पैरों पे कुछ ले जाने के कारण पूरे ख़राब हो जाते हैं. इसका एक अलग ड्रामा चल रहा है यहाँ पे. गणगौर से किसी भी कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे, सब लोग वीडियो शूट करवाने आते हैं. और जो फ्लूडे होते हैं वो भी घर पे जाके हम तोड़ने वाले हैं. तो गाइस यहाँ से लेके जाते हैं तब तो ख़राब हो जाते हैं. यस, इसलिए वी आर वेरी डीप पर्सन. फिर एक दो घंटे पार्क में बैठ जाने के बाद हम लोग गए घर पर एंड इस तरीके से गणगौर का पूजन किया. मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, इसके हाथ इतने तेज ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रखा है बिकॉज स्लो करते थोड़ा सा बोर हो जाता. यू नो गणगौर का इस तरीके से हम पूजन करते हैं. कोई भी एक यू नो वो क्या होता है तांबे का स्टील का बाटी के लेते हैं, उसके अंदर छाछ वगैरह डाल के कल वगैरह डाल के फुलडो से इस तरीके से पूजन करते हैं. एंड उसी दिन शाम को जिस तरीके से मैंने बताया था, मेरी दोस्त जो बचपन वाली दोस्त मिली थी उसके घर पर गणगौर का वनरला था, तो उसने कहा था आना शाम को. तो हम लोग मैं और मेरी दी वहाँ पर चले गए और बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी, डांस वगैरह कर रखे थे. यू कैन सी अगर आपको मेरा यह गणगौर का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में.